आजकल लोग अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल में गुजारते हैं, लेकिन इसके नुकसानात को आमतौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन्स की अहमियत से इनकार नहीं, मगर नाकिस जिस्मानी आसन या अंदाज मुतादित तिबी मसाइल जैसे कमर, कोहनियों और गर्दन में दायमी दर्द, दौराने खून की गर्दिश के मसाइल, सीने में जलन और निज़ाम हाजमा के अमराज का बाइस बन सकता है। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि अमेरिका में बालिग अफराद औसतन 3.5 घंटे से ज्यादा वक्त रोजाना स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हुए गुजारते हैं, यानी वो तवील वक्त तक अपनी गर्दन नीचे झुकाए रहते हैं या कमर झुकी रहती है। इस हवाले से रिसर्चर्स ने सर्वे में रजाकारों से स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल और आंखों पर दबाव, कलाइयों की तकलीफ और दीगर मुमकिन तिबी खतरात के हवाले से तशवीश के बारे में पूछा तो सिर्फ 47% ने नाकिस आसन पर तशवीश का इजहार किया। रिसर्चर्स का कहना है कि फोन पर स्क्रोलिंग करते नहीं बल्कि हर उस वक्त जैसे किताब पढ़ते हुए, किसी मेज पर काम करते हुए या सोफे पर टीवी देखते हुए, जब आपका जिस्मानी वजह ठीक नहीं होती नुकसानदेह साबित हो सकती है। तहकीक में बताया गया कि नाकिस जिस्मानी आसन से लाहक होने वाले बेशतर मुश्किलात को चंद आम तब्दीलियों से रिवर्स करना मुमकिन है। रिसर्चर्स का कहना है कि जिस्मानी मजबूती की वर्जिश जिस्मानी पोजीशन या दर्द के हवाले से मददगार साबित हो सकती है। इसी तरह जो अफराद अपना ज्यादा वक्त बैठकर स्क्रीन इस्तेमाल करते हुए गुजारते हैं उन्हें अपने दोनों पैर जमीन पर रखने चाहिए और हर घंटे बाद खड़े होकर कुछ देर के लिए चलना चाहिए। ख्याल रहे कि इससे पहले की जाने वाली एक तहकीक में ये इंतबाह किया गया था कि मोबाइल डिवाइस पर बहुत ज्यादा वक्त गुजारना दरमियानी उम्र में बिनाई के मसाइल का बाइस बनता है। तहकीक के मुताबिक मोबाइल की स्क्रीन कंप्यूटर के मुकाबले में छोटी होती है और इसकी वजह से आपको आंखों को ज्यादा सुखेड़ना पड़ सकता है जिससे बिनाई पर दबाव बढ़ता है। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।